दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, क्वाइन मार्केट कैप पर ट्रेंडिंग जो टोकन्स हैं पिछले एक हफ्ते से, उनमें से एक जो है वो वहां पर ही रुका हुआ है। मतलब फर्स्ट नंबर पे था, इस वक्त वो सेकंड या थर्ड नंबर पर चला जाता है, किसी दिन फिर वो फर्स्ट नंबर पर चला जाता है। उसका नाम है होडल। ये आपके सामने उनकी वेबसाइट मैंने खोली हुई है और वेबसाइट का लेआउट बहुत स्टैंडर्ड और जबरदस्त है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं ये अर्न मोर बाय होल्डिंग, ठीक है, अर्न मोर बाय होल्डिंग। होडल वर्क्स ऑन अ ऑटोनमस फ्रिक्शनलेस यील्ड फार्मिंग एंड लिक्विडिटी जनरेट प्रोटोकॉल। सिंपली होल्ड होडल टोकन्स इन योर वॉलेट एंड यू विल गेट मोर। इन एडिशन टू दिस यू विल आल्सो अर्न डेली रिवार्ड्स इन बीएनबी। तो बीएनबी में आपको जो है ना वो अर्निंग होती है और दूसरे रिवार्ड भी होते हैं। मतलब इनका खुद का जो टोकन है होटल के नाम से, वो भी आपको रिवार्ड के तौर पर मिलता है। इनका पूरा प्रोसीजर जो है वो मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा, बताऊंगा। उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी। वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा इनका जो प्रोसीजर है, जो तरीकेकार है, इनका व्हाइट पेपर और जो इनकी टोकनमिक्स है वो आप समझ जाएंगे। उसके बाद आपको सही तरीके से अंदाजा होगा कि ये प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में कितना प्रॉफिटेबल आपके लिए हो सकता है। उसके बाद आप अपनी जब रिसर्च कंप्लीट कर ले तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं अपने व्यूज आपके साथ शेयर करता हूं, अपने एक्सपीरियंसेस, ताकि आपको इंट्रोडक्शन करवा सकूं और आपकी रिसर्च में हेल्प कर सकूं। उससे पहले दोस्तों, आपकी मुझे हेल्प की जरूरत है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे एक कमेंट जरूर डाल दें। कमेंट एंड में भी आप कर सकते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट, मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है, प्रोजेक्ट कैसा लगा। और इसके अलावा आपने कौन कौन सी जो कॉइन्स हैं वो होल्ड करके अपने पास रखी हुई है या सेल करके आपने किस किस कॉइन से कितना प्रॉफिट अब तक हासिल किया है, स्पेशली उन कॉइन से जिनका सिग्नल मैंने अपनी वीडियोस में आपको दिया था। तो दोस्तों, फर्स्ट में मैं आपको लेकर चलता हूं कॉइन मार्केट कैप पर। यहां आपके ये सामने खुला हुआ है, आप देख सकते हैं 0.00000017 इस वक्त इसकी प्राइस चल रही है और 14.94 इसकी प्राइस इस वक्त डाउन है। अब सब दोस्तों को मालूम ही है कि दो तीन दिन पहले पूरी मार्केट जो है वो गिर गई थी, तो इसकी प्राइस भी नीचे आई है। दोस्तों, यहां पर आकर आप देख सकते हैं, अगर यहां पे आप आ जाएं तो आपको पता चल जाएगा। सिर्फ आपने यहां पर जो है ना क्लिक करना है तो जितने भी, ये देखिए यहां पर जितने भी कॉइन ट्रेंडिंग है इस वक्त, उसमें ये तीसरे नंबर पर है। कुछ दिन पहले ये फर्स्ट नंबर पर था। फर्स्ट नंबर पर इस वक्त जो मोजार्ट फाइनेंस है, मेरी आने वाली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन होगा, इसके बारे में पूरी डिटेल होगी। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है मोजार्ट फाइनेंस, इसमें क्या है, आप इसमें किस तरह जो है ना अर्निंग कर सकते हैं इजीली और पैसे अर्निंग आराम से आपकी हो सकती है। तो ये देखें यहाँ पर इस वक्त इसकी जो मार्केट रैंकिंग है वो 2713 नंबर पर चल रही है। वेल, यहां पर आते हैं, मैं जरा आपको दिखा देता हूं। ये देखिए 2713 पर, और वॉच लिस्ट पर इसको जो है ना 33,863 लोगों ने रखा हुआ है। ये इनकी वेबसाइट का आपको यहां पर मिल जाएगा जो है ना लिंक, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं वहां पर, जो अभी मैंने खोली हुई थी आपके सामने। उसके बाद दोस्तों आप आ जाएं नीचे, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर टोकनमिक्स पर जो है ना आपने क्लिक कर देना है, अगर आप अपनी रिसर्च करते हैं तो, ठीक है। टोकनमिक्स में आप देखें यहां पर प्री सेल लॉन्च और फिर बर्न कितने हुए, 23.6% इसके बर्न ऑलरेडी हो चुके हैं। एयर ड्रॉप्स में जो है 5% और ड्रीम मार्केटिंग के लिए 5%, ये इनका टोकनमिक्स है। रिवार्ड कैलकुलेटर जो है यहां पर, अगर आप ये आपको मिल जाएगा इस तरह कि आप यहां पर क्या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इंटर बीएनबी अमाउंट टू इन्वेस्ट, ठीक है, बीएनबी में आप अपना अमाउंट लिखें। फॉर एग्जांपल आप जो है ना 0.5 यहां पर लिख दें, इसमें आपके टोकन आ रहे हैं जितने भी लिखे हुए, ये वाले आगे आप देख सकते हैं ये टोकन लिखे हुए हैं, ये आपने 0.5 बीएनबी की प्राइस लिखी। डेली रिवार्ड इन बीएनबी, ठीक है, 0.00166 डेली रिवार्ड आपको मिल रहा है यहां पर। ईयरली रिवार्ड 0.61 बीएनबी, मतलब इतनी रकम आपको मिलेगी बीएनबी के हिसाब से 0.61, ठीक है। डेज टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय रिवार्ड 300, इनिशियल आपकी जो मतलब इन्वेस्टमेंट है वो 300 डेज में रिकवर हो जाएगी, मतलब ये तो एक साल में आपके पैसे यहां पर निकल आते हैं पूरे के पूरे, ठीक। ये इनका सिस्टम है। ये इनका सिस्टम चलता कैसे है, अर्न बीएनबी बाय होल्डिंग। इनका भाई पूरा सिस्टम जो है ना होल्डिंग पर है। आपको पता है कि इनका नाम ही होडल है, जब तो होडल का मतलब ही ये होता है कि भाई होल्ड करके, होल्ड टू डियर लाइफ, आप जो भी टोकन्स लेते हैं उनको होल्ड करें। सेल अगर करते हैं तो आप बड़ा रोल अदा करते हैं मार्केट को गिराने में।
तो अर्न बीएनबी बाय होल्डिंग होल्डर 4% ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इज टेकन एंड redistributed to all hodl holders in BNB accumulates BNB by holding the hodl tokens. ठीक है, आप यहाँ पर होल्ड करके रखते हैं तो 4% ट्रांजेक्शन से जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उनसे 4% जो है ना वो टैक्स समझो काटा जाता है. तो वो जो है जितने भी होल्ड किए हुए होंगे टोकन जिस किसी ने भी, उसमें उनमें जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी हो जाती है. ऑटोमेटिक लिक्विडिटी पूल में 4% ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स ऑटोमेटिकली जनरेटिंग फर्दर लिक्विडिटी ऑन पेनकेक स्वैप बेनिफिटिंग लॉन्ग टर्म फॉर होल्डर होल्डर्स द मोस्ट. ठीक है, ये लिक्विडिटी में 4% जो है ना वो चला जाता है. फिर आपको पता है लिक्विडिटी जो है ना वो और जदीद एक सिस्टम है टेक्नोलॉजी जहां पर आप पैसिवली अर्निंग कर सकते हैं. उसके बाद दोस्तों यहां पर 2% ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इज टेकन एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल होल्डर होल्डर्स द बर्न एड्रेस इज ऑल्सो अ होल्डर दस ईच ट्रांजेक्शन हेल्प डिफ्लेट द सप्लाई. 2% वहां से जो है ना फिर आपको मिल जाता है. ये इस तरह है इनबिल्ट एंटी वेल मैकेनिज्म. अब वेल्स आपको पता है कि किसी भी टोकन को बहुत बड़ी मिकदार में जो है ना बाय कर देती है, बहुत ज्यादा जो है ना क्वांटिटी में उसको बाय करती है. उसके बाद जब वो सेल करते हैं तो पूरी मार्केट को गिरा देते हैं और फिर इस तरह निकल भी जाते हैं बहुत सारे टोकन से. फिर वो कभी उसमें जो है ना वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते तो वो टोकन जो है ना वो डेड हो जाते हैं या फिर नीचे ही चलते रहते हैं सालों के साल. इस तरह बहुत सारे लोगों के पैसे जो है वो डूब भी जाते हैं. तो उसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोग्राम यहाँ पर ये बनाया है कि ट्रांजेक्शन बाय सेल दे ट्रेड मोर देन 0.1% ऑफ द टोटल सप्लाई विल बी रिजेक्ट. तो दोस्तों यहाँ पर टोटल सप्लाई का 0.1% जो है ना वो एट अ टाइम बाय या सेल नहीं हो पाएगा. मतलब बड़ी मिकदार में आप एट अ टाइम इसको बाय नहीं कर सकते और सेल भी नहीं कर सकते. ये है एंटी वेल मैकेनिज्म इन्होंने बनाया कि बड़े बड़े आदमी बड़े बड़े जो करोड़ों और डॉलर्स की चीजें मतलब यहाँ पर टोकन खरीद कर लेते हैं और फिर सेल भी कर देते हैं थोड़े बहुत उसमें जो थोड़ी फ्रैक्शन होती है तो उनके अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं और वो मार्केट से आउट हो जाते हैं. उनके अगेंस्ट इन्होंने प्रोग्राम ये बनाया है कि 0.1% टोटल सप्लाई का 0.1% जो है वो मतलब ना कोई बाय कर सकेगा और ना ही कोई सेल. उसके बाद जो है वेल्स हु मेक ट्रांसफर बिटवीन टू वॉलेट्स दैट इज लार्जर देन 0.1% ऑफ द टोटल सप्लाई विल बी चार्ज 1 BNB व्हिच विल फर्दर बी डोनेटेड टू चैरिटीज. ये बहुत अच्छा इनकी जानिब से कदम लिया गया है कि आप ही के मतलब दो वॉलेट्स हों, कॉइन बेस पर फॉर एग्जाम्पल आपका है और फिर बाइनेंस पर है या हॉटबिट पर है तो ये आपके डिफरेंट वॉलेट्स हैं. ठीक है, आपने क्या किया कि एक वॉलेट से वो दूसरे में भेजते हैं, दूसरे से तीसरे में भेजते हैं. ये जो ट्रांजेक्शंस आप करते हैं तो उन पर ये इन्होंने क्या किया है कि टोटल सप्लाई का 0.1% जो है उससे अगर ये ट्रांजेक्शन ज्यादा होगी तो उसमें 1 BNB का टैक्स लग जाएगा. ठीक है, इससे क्या होता है कि ये जो BNB इस तरह से इकट्ठे होंगे वो चैरिटी में या फिर जितने भी होल्डर्स होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूशन उनकी हो जाएगी. हाईली सिक्योर दोस्तों यहां पर यह है कि ऑल इनिशियल लिक्विडिटी प्रोवाइड विल बी लॉक्ड विद यूनिक्रिप्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रस्टलेस फॉर होडल कम्युनिटी वी विल रिलीज द ऑडिट रिपोर्ट शॉर्टली एज दे आर अंडर प्रोग्रेस. तो ये यहाँ पर है कि इनकी ऑडिट चल रही है. आपको पता है कि जैसे शिबा स्वैप की चल रही है इसी तरह यहाँ पर उसकी पूरी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दी जाएगी. बिल्ट फॉर द कम्युनिटी, कम्युनिटी बेस्ड है. ये एक सिंपल चीज है, यहाँ पर मैं इसमें ज्यादा टाइम आपका नहीं लेता. उसके बाद दोस्तों रोड मैप मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ इनका. मुझे बहुत अच्छा लगा है रोड मैप इनका. उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्च ऑन पेनकेक स्वैप, पेनकेक स्वैप पर ये ऑलरेडी आ चुका है. प्री सेल जो है वो इसकी जो है हो चुकी है. मार्केटिंग जो है वो ऑन गोइंग है, चल रही है इनकी. आपको एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह चला रहे हैं. उसके बाद जो है 16 मई 2021 पर इन्होंने जो है ना वो पार्टनरशिप करनी थी कंप्लीट विद क्वाइन गीको, क्वाइन लाइव वॉच और क्वाइन मार्केट के. यहाँ पर आपको पता है कि ये ऑलरेडी आ चुके हैं पार्टनरशिप्स में. और ये है कि विद लिस्टिंग साइट्स नॉमिक्स और डिफरेंट जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस वगैरह है वहां पर इन्होंने होना है. गेमिफिकेशन, ये कुछ गेम वगैरह बनाएंगे ताकि अपने टोकन की वैल्यू बना सके. एनएफटी लॉन्चिंग, एनएफटी लॉन्च करेंगे. एनएफटी आपको पता है नॉन फंजिबल टोकन. मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बार बार इसका जिक्र किया है, बताया है कि एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन है. इस तरह ये आर्ट का एक नया रेवोल्यूशन है कि आप आर्ट का अगर काम करते हैं, वीडियोग्राफी जानते हैं, एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं तो आप इस तरह के टोकन वगैरह बनाएं और वो यहाँ पर ले आए तो वो सेल भी हो जाते हैं इस तरह दोस्तों. उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज होडल, मैंने आपको इसका पूरा ऑलरेडी बताया हुआ है. और दोस्तों यहाँ पर इनके जो है ना 26.6%
अब टोटल सप्लाई टोकन जो है ना वो बर्न हो चुके हैं ऑलरेडी। अब टोटल इनके हैं कितने वो आपको यहां से पता चल जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि इनकी मैक्सिमम सप्लाई जो है वो 1,00,000 टोकन की है और उससे जो है ना वो बर्न हो चुके हैं 23.6% जो है ना वो ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं। अब ये मार्केट इसकी जो है ना वो आप देख यहां पर देख सकते हैं कि मार्केट इनकी जो है वो अच्छी खासी ऊपर गई थी कुछ दिन पहले, लेकिन फिर ये मार्केट में जैसे ही जो है ना डाउन ट्रेंड आया है तो अभी इसकी प्राइस नीचे चल रही है। मैं आपको अगेन यही कहता हूं, यहां पर जरूरी नहीं है कि आप मेरी ये वीडियो देखकर जाकर जो है ना वो खरीद कर लें, लेकिन दोस्तों अपनी रिसर्च करें और ये थोड़े पैसों में ज्यादा टोकन मिलने वाले टोकन है, अगर सही आपको लगता है तो आप जरूर इसको बाय करके अपने पास रख लें। मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अब चलते हैं पेनकेक स्वैप पर, मैं आपको बताता हूं कि $1 में ये आपको कितने टोकन मिल जाते हैं। तो आपने देखा कि मैंने पेनकेक स्वैप किस तरह खोला है, आप यहां पर आ जाएं और फिर उसके बाद आप ये ट्रेड पर जो है ना क्लिक कर दें और फिर एक्सचेंज पर आ जाएं। ठीक है, एक्सचेंज पर क्लिक करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया, लेकिन बहुत सारे दोस्त न्यू हैं क्रिप्टो में तो उनको इन चीज़ों का नहीं मालूम होता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप इस तरह जो है ना वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ से आपने USDT जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पर आप क्लिक करें और ऊपर जो है ना आप लिख दें होडल HODL, ये आ गया। ठीक है, तो आपने जैसे ही इसको क्लिक किया होटल यहां से सिलेक्ट हो गया, आप ऊपर लिख दें $1, तो ये आपने सिर्फ वन लिखा तो USDT ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो आपको दोस्तों ये मिल रहे हैं 4.5 करोड़ टोकन जो है वो आपको $1 में मिल रहे हैं। अगर ये $4-5 के आप लेके अपने पास रख लेते हैं तो आने वाले 1-2 महीनों में या फिर जो है ना दिसंबर तक अगर मार्केट रिकवरी करके ऊपर चली जाती है तो आपको अच्छा खासा इससे जो है ना प्रॉफिट मिल सकता है। आप अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 0 balance punishment। ठीक है, ये बहुत आम बात है जो कि मैंने आपको बताई नहीं, मैं भूल गया था बताना, जरूरी समझता हूं मैं। व्हाट इज 0 balance? व्हेन यू सेल ऑल ऑफ योर होटल एंड योर बैलेंस इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल आपने जितने भी बाय किए थे सारे के सारे सेल कर दिया आपने, तो क्या होगा? देन यू कंटिन्यू टू बाय होटल अगेन, आप फिर से जो है ना वो बाय करना चाहते हैं, योर नेक्स्ट कलेक्टेबल डेट विल बी एक्सटेंडेड ओवर 50 ईयर। फिर आप अगले 50 साल तक जो है ना होटल बाय नहीं कर सकते। एक वॉलेट पर अगर आप मौजूद हैं, मतलब जहां भी आपने जो है ना वो बाय की है वहां पर आप दूसरी दफा बाय नहीं कर पाएंगे। ये है पनिशमेंट, मतलब ये जो सेल करने वाले हैं ना जल्दी जल्दी में जो सेल करते हैं उनके अगेंस्ट ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो क्या होगा? इफ यू स्टिल वांट टू कलेक्ट BNB, यू कैन ट्रांसफर योर होटल टू एन अदर वॉलेट। आप जो है ना वो दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे, वहां से आप कर सकते हैं बाय इसको। देन यू कैन कलेक्ट योर BNB नॉर्मली विदाउट वेटिंग फॉर 50 ईयर। फिर 50 साल आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और आप आराम से जो है ना वो बाय कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा? रिमेंबर यू विल बी चार्ज 10% व्हेन ट्रांसफर बिटवीन वॉलेट। लेकिन एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में आप भेजेंगे और वहां जाकर जो है ना वो आप सेल करना चाहते हैं तो 10% आप पर फीस लग जाएगी। फर्दर मोर वेल्स हु मेक अ ट्रांसफर बिटवीन टू वॉलेट्स दैट इज लार्जर देन 1% ऑफ द टोटल सप्लाई विल बी चार्ज फॉर 1 BNB। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं दोस्तों। तो ये बहुत ही जबरदस्त इन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया है जिससे ये अपनी टोकन की प्राइस बनाना चाह रहे हैं। मेरा यह ख्याल है कि आने वाले वक्त में ये न्यू जो आइडियाज आ रहे हैं मार्केट में कि किस तरह लोगों को होल्ड कराए जाए टोकन और जो कैपिटल है उसको एक जगह पे मतलब रोका जाए, ज्यादा से ज्यादा जो है ना लोग सेल ना करें, तो ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जरूर आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।